लेकर राजधानी पटना में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज स्थित राजपुताना गली में विजया फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली प्रोडक्ट टोमेटो सॉस, चिल्ली और सोया सॉस को बरामद किया है, जहां टिप टॉप नामक नकली सॉस का फैक्ट्री में धरलेस उत्पादन कर बाजार में भेजा जा रहा था। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि होली पर्व को लेकर पटना में तमाम इलाके में छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि महाराजगंज स्थित राजपुताना गली में विजया फूड प्रोडक्ट का फैक्ट्री में नकली सॉस का उत्पादन किया जा रहा है। जहां छापेमारी की गई तो फैक्ट्री मालिक महेंद्र प्रसाद फरार हो गया। वहीं छापेमारी के दौरान लाखों रुपए के मूल्य के नकली सॉस बरामद किया गया है, जहां फैक्ट्री को सील कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सोना रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। ये डीएम साहब के निर्देशानुसार हम लोग होली के पहले जो मिलावट की हुई सामग्रियां, खाद्य पदार्थ की सामग्रियां जो बाजार में उतारे जाते हैं, उसका हम लोग औचक निरीक्षण और औचक छापामारी कर रहे हैं। इधर से हम लोग गुजर रहे तो अचानक यहां पर सूचना मिली कि यहां पर सॉस का फैक्ट्री है और उसी के अनुसार हम लोग इस फैक्ट्री में घुसे हैं और देखा जा रहा है यहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा में सॉस बनाया जा रहा है। चिली सॉस है, टोमेटो सॉस है, सोया सॉस है और बनाने की जो यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल गंदी अवस्था में बनाई जा रही है। और जो जो इंग्रेडिएंट स्टैंडर्ड रूप में ये दिया जा रहा है रैपर पे, ये बहुत मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पर बहुत अलग चीज़ से मिलाया जा रहा है, जैसे अब यहाँ पे वेजिटेबल पल्प कहा जा रहा है तो उसके जगह कुछ और पल्प मिलाया जा रहा है। जैसे चिली सॉस है तो यहाँ पर चिली का कोई नामो निशान नहीं है और हाइजीन तो कंडीशन यहाँ बिल्कुल सही नहीं है और इस आधार पर हम इसको बंद करने जा रहे हैं। जब तक यहाँ का हाइजीन कंडीशन दुरुस्त नहीं हो जाता है तब तक ये फैक्ट्री बंद रहेगा। किस कंपनी के नाम से सर? ये अपना ये कोई अनरजिस्टर्ड कंपनी है, टिप टॉप है, अनरजिस्टर्ड है, कोई इसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं है, बट ये FSSAI से लाइसेंस लिया हुआ है। ये पोस्ट इंस्पेक्शन में ये गलत पकड़े गए हैं, इसलिए इनका लाइसेंस सस्पेंड भी किया जाएगा और बंद भी किया जाएगा। सर, जांच के क्रम में क्या पाया गया? सब नकली है? नहीं, इनका निर्माण का जो ढंग है वो गलत है और सामग्री जो इसमें प्रयुक्त किया जा रहा है वो सही नहीं है। इस आधार पर हम लोग नकली कह सकते हैं। कितना बरामद किया सर? इसकी गिनती चल रही है, हम समझते हैं कि 1 टन से ऊपर माल होगा। क्या अनुमान लगाया जाए कितनी लागत होगी? कितना लागत का है आप उससे ज्यादा ही समझिए, ये कम करके ही बोल रहा है, लगभग 1 लाख रुपया से ऊपर का ही होगा। नहीं सर, 1 लाख रुपये। किस तरह की कार्रवाई होगी सर? कि पहले तो यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाएगा और जितने भी तरह की सामग्रियाँ बनाया जा रहा उसका नमूना लिया जा रहा है और नमूने अगर ये गलत पाए जाएंगे तो इस पर AO कोर्ट में या फिर LDJ2 के कोर्ट में केस किया जाएगा। जहाँ भी हमको सूचना मिल रही है वहाँ पर तुरंत रेड करने के लिए हम तत्पर रहते हैं और कर भी रहे। बिहार के कटिहार जिले के शरीफगंज इलाके में 99 मॉल खुलने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। 99 मॉल में एक ही छत के नीचे घरेलू और किचन का सामान समेत चप्पल, बॉडी स्प्रे, बच्चों का खिलौना और प्लास्टिक से बने विभिन्न तरह के सामान मिल रहे हैं। ग्राहकों को घरेलू और किचन संबंधी सामान के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। वहीं होली के अवसर पर विभिन्न तरह के कपड़े और दैनिक जीवन में काम आने वाले सभी सामग्री एक ही जगह पर उपलब्ध होने पर 99 मॉल लोगों की पहली पसंद बन गई है।
अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।